बहुत से लोग कह रहे थे कि यार हमको WCC में वर्ल्ड कप खेलना है, प्लीज कोई तरीका बता दो, वो भी फ्री का। तो भाई ये रहा वो आपका तरीका, WCC 2 जाओ, इंस्टॉल करो, उसके अंदर वर्ल्ड कप अपडेट आ चुका है और वो बिल्कुल फ्री है। अब आज की वीडियो में हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करने वाले हैं इनसेन डिफिकल्टी में। फर्स्ट टाइम में WCC 2 का ये नया अपडेट खेल रहा हूँ और प्रेडिक्ट करेंगे सेकंड ODI का रिजल्ट, जिसमें इंडिया 1-0 से आगे है। जब गेम डाउनलोड करोगे आप तो भाई थोड़ा अच्छा खासा समय लगेगा। मेरा जिस तरह का इंटरनेट है, मैं भी सरप्राइज हूँ इस तरह की डाउनलोड टाइमिंग से। अच्छा खासा समय लेगा डाउनलोड होने में अपडेट। आगे हमारी टीम स्क्रीन, यहाँ पे हम इंडिया चुनेंगे, 50 ओवर्स के मैच में जाएंगे और लेट्स प्ले सेकंड ODI। ओह, पहले तो मुझे लगा भाई इसके अंदर कटसीन्स नहीं होंगे, डेवलपर्स ने फ्री में दे दिए। अनबिलीवेबल, और ये ग्राफिक्स तो पूरा 3 लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है ये खाली वीडियो प्ले हो रही है, खाली 2 आ गया है। तो मजे करो यार, अब और मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, लॉटरी लग गई आप लोगों को तो। What an exciting spectacle, all the captains together with the World Cup ready to battle for the ultimate glory. ऐसा मोटिवेशनल स्पीच भी है इसके अंदर, क्या भाई छा गया। We set off. टीम सिलेक्शन, हाँ टीम सिलेक्शन मुझे पहले करना था, तो डिफॉल्ट टीम आई है WCC 2 की। मैच वन अहमदाबाद में, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा मैं 2 खेल रहा हूँ, पूरा 3 का फीलिंग आता है। बल्कि UI उससे भी अच्छा लग रहा है, सुपर लग रहा है ये UI, वायलेट कलर का। एक्स के साथ जाएंगे, इंडियन कप्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलियन कप्तान इस वक्त टॉस के लिए फाइट करते हुए, और इसे जीता है। मैंने बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ, प्लस टैबलेट में खेल रहा हूँ। मैं बॉलिंग के साथ जाऊंगा, मैं WCC 3 की लाइव स्ट्रीम में क्या किया था, मैंने बॉलिंग ही की थी ना, बॉलिंग ठीक है। तो 3 के भरोसे 2 चलाते हुए, नेशनल एंथम नहीं आया, ठीक है साउंड नहीं बजा, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर वो फेमस हर्डल टीम इंडिया का, तो कुछ देर में एक्शन में आपको दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स कुछ देर में मैदान में आएंगे, टीम इंडिया मैदान में इस वक्त, और जीत का परचम लहराना है क्योंकि मैं 1-0 से पीछे हूँ, इंडिया 1-0 से आगे है। तो प्रेडिक्शन वहाँ गलत था, ऑस्ट्रेलिया हारा है पहला वनडे। अब देखते हैं 2 में क्या हम 2-0 1-1 कर पाएंगे, और रियल में इंडिया 2-0 कर पाएगा। डेविड वॉर्नर सामना करेंगे, ये इंट्रो लास्ट के कुछ सेकेंड्स, हम सब एक्साइटेड हैं। एक गुड न्यूज़ दे दूँ, जब आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन मेरे को वर्ल्ड कप की टिकट मिल गई होगी, मिल रही होगी, आने वाली होगी, या तो एक दिन पहले ही आ गई होगी। तो कमेंट में कर देना, मैं आपको बता दूंगा टिकट आई है या नहीं आई है। फील्डिंग चेंज करेंगे हम लोग, अनसेन डिफिकल्टी मैं 3 वाली ट्रिक ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं आउट कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये रही मेरी फील्डिंग सेटअप जो अभी के लिए है मैदान में। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ स्क्वायर लेग बेहतर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं अंपायर के पास नहीं रह सकते। दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत, 2 में परफेक्ट मीटर नहीं है, तो यहाँ पर मेरे लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। स्ट्रेट खेलते हुए हमारा गेम प्ले जो फॉर्मेट है मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ, पहले ही बता दो। एक रन 196/3 हार्दिक पांड्या को दी गई है गेंद, मैं मानता हूँ काफ़ी सही सिचुएशन में है, ऐसे भी बड़े रहते हैं मैच। यहाँ पर मेरे लिए बैटिंग डेफिनेटली टफ होने वाली है, तो एक बड़े स्कोर और मैच में लीड लेता हुआ ऑस्ट्रेलिया। 4 फील्डर को डीप में रखा गया है, यूज़ कर सकते थे तो यूज़ किया है प्रॉपर तरीके से। इसमें कोई परफेक्ट का फंदा है नहीं, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पास मौका रहेगा इस फॉर्मेट में कसके रन बनाने का। गैप बना दिया, पिछली बार मिस हुए थे, फील्डिंग मैंने डीप की थी, फिर भी मन में लग रहा है मुझे पॉइंट पर रखना चाहिए फील्डर, ठीक है फील्डिंग वही हुई है। बड़े देख सकते हो कि मैं जहां तक हो रहा है फुल ही रख रहा हूं। सरप्राइज बाउंस, वार्निंग साइन अंपायर की तरफ से, स्टंप्स की तरफ सीधा रखा है, हेलीकॉप्टर उठा है, 6 के लिए गया है, मैक्सवेल का जादू चलता हुआ। 21.1 ओवर्स, जडेजा की एंट्री, फील्डिंग कमाल की कर रहे हैं पॉइंट के फील्डर, 3 चौके बचा चुके हैं। स्टंप पे फोकस ज्यादा है, गेंदें ऑफ स्टंप के करीब आ रही हैं, स्विप खेलते हुए रन आउट, कम ऑन यू कैन डू इट मैन। फील्डिंग एफर्ट में भाई 100 में 100 था इस बार, फिर भी पॉसिबल नहीं हुआ। 73% इस समय यही है जो स्पेशल आता है राइट साइड में, जो 73 लिखा आ रहा है, वो जब 100 हो जाता है तब आप इस गेम में स्पेशल डाल सकते हो, वरना नहीं। एकदम स्लॉट में दिया, फिर रन आउट का चांस रहेगा अगर रन दौड़ते हैं। यहाँ पर लेट रिएक्शन, यार सेम रिएक्शन पिछला वाला दिखा देते तो विकेट थी। जानबूझ के गेंद ऐसे जिसको ऑफ स्टंप पे खेला जाए, लॉब कर दिया पॉइंट से, ये फील्डर के बस का नहीं है। 6 रन, हार्दिक पांड्या ऑफ स्टंप, गुड लेंथ गेंद, एजेस की उम्मीद, गैप में हिट, मैक्सवेल करते हुए सब कुछ सेट अपने लिए, 4 रन और टीम के लिए भी। आउट स्विंग अपील, यहाँ पर जिस तरह के गेम प्ले के लिए जाना जाता है WCC 2 अपील, लेकिन खारिज कर दिया।
हमने तुरंत डी आर एस पे क्लिक किया है। मुझे तो भाई कुछ सुनाई दिया नहीं है इस गेम में, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा सुनाई देता है जब एजिस होती है, बट आप जा सकते हो। अपने इंस्टिक के साथ गए थे और यहाँ पर अब थर्ड एम्पायर के हाथों में डिसीजन लेना। स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, एक्सरे में नो डाउट रहेंगे। डी आर एस गंवाया, हेलमेट पर से कुछ आ रहा है, हेलमेट पर कुछ लगाया ऊपर देखो, अच्छा वो डिज़ाइन है, ओके नो डाउट। एक स्लोवर आउट स्विंगर के बाद एक स्लोवर इन स्विंगर आता हुआ, बल्लेबाज को यहां पर मौका दिया है बाउंड्री रोप से, लेकिन 6 रन जाते हुए मिच मार्श के, एंड ऑफ एन ओवर ऑस्ट्रेलिया के नाम। अति जल्दी जल्दी यहां पर रन बनते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक और 4 गली पर से, ये गैप बहुत बढ़िया ले रहे हैं। एडम जंपा ने शुभमन गिल को आउट किया था इसी लाइन पे, मिडल पे मिच मार्श 41 रन नॉट आउट। अरे लॉब खेल दिया, फील्डर से फिर कोई मतलब नहीं, मिडल की लाइन पे वापस आ रहे हैं और भाई काफी महंगा पड़ा हुआ है। कैच का कॉल है और ये गिरते पड़ते झपट लिया है कैच भुवनेश्वर कुमार ने, भरोसा मंग कुमार, अभी उनकी बॉलिंग नहीं, भुवनेश्वर नहीं वो सूर्य कुमार है, कुमार लिखा है मतलब हर कुमार भुवनेश्वर कुमार नहीं होता, सूर्य है आई थिंक। और बहुत बढ़िया कैच, 1 सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मिस है, बट नहीं, लपक लिया इस कैच को और विकेट फाइनली हमें मिलता हुआ मार्श का 25 में 7 काम पे लगाया है। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा आउट ऑफ प्ले में जाएगा, मतलब कि विकेट मिल जाए तो लॉटरी मेरी। डॉट एक्सवेल का अभी थोड़ा सा डिफेंसिव अवतार दिख रहा है, बट उसको चेंज किया गैप में फाइन पे पुश करके गेंद को, स्विप स्टाइल से 4 रन खेल रहे हैं। 50 से 1 शॉट दूर उठा दिया लॉब, दो फील्डर खड़े हैं, दोनों ने में से किसी ने भी कुछ नहीं किया है, एक दूसरे को देखते रहे और जो फील्डर नजदीक था उसने भी कोई एफर्ट नहीं लगाया है। डीप स्क्वायर लेग फील्डर थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इस गेंद को रोकें, एफर्ट में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। मिस कैच, मिस फील्डिंग, जो भी कहा बट ये कैच होना चाहिए था भाई, लोवेस्ट पॉसिबल गेंद और थोड़ा हो सकता है बट ठीक है, काफी स्लो है आज के दिन के हिसाब से। 1 रन 246 बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, लेट्स सी आखिरी सेशन तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, पहुंचेगा मुझे भरोसा है। 67 पे 5, 98 पे खेल रहे हैं मार्कस चॉइनिस, इंग्लिश ने बना दिया 76, शतक से बस ये 1 शॉट दूर है, इसी गेम पे आना चाहिए। जी लीजिए, शतक भी आ चुका है WCC 2 का, मार्कस चॉइनिस इंजॉय करेंगे इस पारी को, ऑस्ट्रेलियन फैंस इंजॉय करेंगे इस पारी को, टीम इंडिया के लिए एक मुश्किल सा स्कोर खड़ा कर दिया है। 68 balls 102 runs, फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं, गैप में एक और 4 जा रहा है, बदलाव होंगे स्पेशली पॉइंट वाली लोकेशन। 77 मिडल से बाहर, सिप शॉट, फील्डर अब तो फिर मिस कर दिया, 80 के पार स्कोर है इस नाम के लिए, और गैप बना दिया, इस बार डाइव का मौका दिया नहीं फील्डर को, परफेक्ट शॉट 4 रन। निशित कुमार, मतलब वो कुमार ही थे 4 रन, लेकिन नई ओवर में पहली गेंद पे 90s में इंग्लिश सेंचुरी का कंफर्म लग रही है। लिया 500 का आंकड़ा मार्कस चॉइनिस इस वक्त, बढ़िया गैप है 499 डन, गलत गेम मोड लगा दिया मैंने भाई, सही में नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। ओ हाँ, ये फील्डर कमाल है, लाजवाब है, लंगॉन की फील्डिंग इंडिया की धमाल है, दोनों बार उम्मीदें नहीं थी और दोनों बार विकेट लंगॉन से ही आए हैं। इस बड़ी पारी को और बड़ी बनाना चाहते थे, अभी भी 6 गेंदें थी, इनफ था 10-15 रन ऐड कर सकते थे, बट दैट्स अ फुल स्टॉप फॉर टुडे फॉर स्टॉइंस। बट कमाल की बैटिंग, ये नहीं होती तो बहुत फर्क हो जाता। एक चीज कन्फर्म है, ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर तो खेलेगा, उसको मैं नहीं रोक सकता। रन आउट गया, कितने बार मेरे को मौके मिले थे मतलब मेरे फील्डर्स को, बट हर बार वो जब आउट के मौके होते तब उसका रिएक्शन ख़राब होता था। फाइनली डायरेक्ट हिट के लिए गए, कोई रिएक्शन से मतलब नहीं, और रिएक्शन था भी क्विक, डायरेक्ट हिट ने बहुत आसान बना दिया ये डिसीजन, एम्पायर को तुरंत वहीं ऑन फील्ड ही डिसीजन दे दिया कि इट्स आउट, जाइए घर, सेंचुरी अगले मैच में करने की कोशिश करिए। बट फिर मैं दोहराऊंगा, पारी इनकी कमाल की थी, उसमें कोई शक नहीं, 2% कॉन्फिडेंस बेहतर चाहिए था मुझे, मिला नहीं। गैप शॉट 4 रन, मिल गई बाउंड्री ऑस्ट्रेलिया को, तलाश कर रहा था। स्विंग बाहर का क्रॉस एंगल, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, इसको मिल गया एक और गैप, भाई मत दो, नहीं दे रहा ये लाइन पे यार, पड़ गया, इसने पढ़ लिया, आखिरी गेंद है अब भाई। 516 का स्कोर देख के मन में धड़क तो हो रहा है, कैसे चेज करेंगे वो, जब चेज शुरू होगा तो ही पता लगेगा। बस इनसेन डिफिकल्टी, पहला मैच चांसेस विदाउट डाउट कह सकता हूँ इंडिया के थोड़े से कम रहेंगे यहाँ पर। 10.34 का रिक्वायर्ड रन रेट है, रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान में है। मुझे इन बल्लेबाजों पे शक नहीं है, मुझे अपने आप पे शक है, मुझे गेम पे शक है कि गेम कितना सही ढंग से चलेगा इस
गेम मोड में, ठीक है। पहली गेंद, दो मैच दिखा रहे हैं दोनों प्लेयर्स के। मिशमाश को दिए गेंद, राइट आर्म मीडियम फास्ट कंट्रोल, ठीक है। कितना क्रॉस खेलेगा इसमें, तो ग्राउंड शॉट का भी ऑप्शन नहीं है, मतलब हाँ कुछ टच नहीं करोगे। स्प्रिंट स्प्रिंट है, हाँ है, तो भाई दौड़ ले प्लीज़। एक रन इंडिया 183/4, यहाँ से अब हमारे हाथ में गेम आ रहा है। आई डोंट नो कैसे होगा, कैसे खेलेंगे हम लोग। 59 पे हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कितना साथ देती है गेम वो देखना है। स्प्रिंट तो है, डाई भी है, एक रन। टाइमिंग मीटर तो है इस गेम में, बट कुछ शॉट हिट कर दिया, ब्लॉक्ड शॉट, डीप में फील्डर, गोल लेने की इच्छा, डाइव के लिए भी तैयार हैं। गुड 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 गुड, ऑल रन 61 हो गया, मतलब बढ़ता है कॉन्फिडेंस। बीट मत करा देना इस लाइन पे, सबसे गंदी फीलिंग होती है अगर होता बीट तो। एक रन, दो ने कन्वर्ट किया है, डाइव की तरफ, कीपर की तरफ अपील किया है, बचे हैं। डाउन शॉट के चक्कर में कहीं ना हो जाए मिस्टेक, बीट। और कॉन्फिडेंस घटता भी है इसमें, अरे बाप रे, बढ़ता भी है घटता भी है, ये तो भैया टेंशन वाली बात है। स्प्रिंट लगाया है दो का, 59 हो गया। जटसन बढ़िया गेंद है, हिट के लिए, गुड शॉट, बीट ऑफ स्टंपर, गेंद ऑफ स्टंप थी, हमने लेग स्टंप खेला था। 8 गेंदों तक टीम इंडिया काफ़ी दुरुस्त लग रही है, 4 भले नहीं मिला लेकिन कोई गलती भी नहीं की है। इस वक्त बिना विकेट के खेलना बेस्ट है, भले एक भी चौके नहीं जाते, प्रॉपर लेग स्टंप गेंद मिल जाए। मैं बताऊँ कैसे खेलते हैं, क्विक सिंगल भाई, मत लेना वो ऑप्शन रन। दो ओवर सर्वाइव कर गया हूँ सेम डिफिकल्टी में, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात आ, तो मैंने कट किया था फटमैन पे, हम बनेंगे नहीं, इसका मतलब है कि भैया आप मजबूरी में लेग स्टंप खेलना पड़ता है भाई, सारे शॉट क्या करूँ। लिया है DRS, अपील हुई थी, अंपायर का जो डिसीजन है आउट है, तो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन, अंपायर कॉल रहेगा तो वैलिड रहेगा, और ये काफ़ी क्लोज है मामला। गेम के हिसाब से मैं लेग स्टंप मारता तो टच तो हो जाती कहीं ना कहीं, मैं नियम के हिसाब से खेला ऑफ स्टंप की गेंद ऑफ स्टंप, बट ये तो सीधा पैरों पे लगी है, अंपायर कॉल मत होना, अगर नहीं है तो फिर बच जाएंगे। आई थिंक बच गए, आई थोड़ा थोड़ा लाइन लेंथ इनका भी, लॉफ्टेड शॉट था, परफेक्ट शॉट था, इसमें छह नहीं जाता और रन आउट का चांस अलग रहता है। गेंद की पिच भी इतनी दूर नहीं आ रही कि मैं ऑफ स्टंप ही खेलूं। गुड, नया ओवर, ये ऑफ स्टंप दिए गेंद, अबे पागल है गेम यार भाई, बंदा गुड शॉट खेल रहा है, मैं क्यों मैं नहीं खेलना मुझे भाई, अरे हाँ, अरे भाई मैं गेम प्ले बना रहा हूँ, मेरी भी इच्छा होती है भाई कि मैं ऑफ स्टंप पे भी शॉट लूँ, स्पेशली ऑफ स्टंप वाली गेमों का। गुड शॉट था, ऐसा भी नहीं अर्ली और लेट खेल रहा हूँ मैं, बोल्ड ऑन रिजर्व करूंगा। नहीं खोनी थी विकेट, और वो भी राहुल आउट हुए हैं। लाइन लेंथ देख रहे हो जनाब की, ऑफ स्टंप के बहुत करीब, कोई ज़्यादा मौके नहीं है आपके पास, रन नहीं दौड़ा मैंने, खिली बार और नो बॉल थी। अबे यार चलो अच्छा है, फ्री हिट का मौका मिला, सामने हिट करेंगे, स्टंप्स ओपन कर दिए, दूर मत दे देना अभी तक तो, हर बार तुमने बहुत प्यार से वाह सामने खेला था तो भाई साहब एडवांस कर गए वाह। अरे अरे कैसे बचा पता नहीं, सिर्फ 5 गेंदे बिना आउट हुए खेल जा भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए। 4 रन, अरे गैप में था मुझे लगा 2 रन आए, उसका पहले ही लॉक पे क्लिक कर दिया है, बैल भी मत करा देना पागलों जैसा। 4 नहीं मिलेंगे, 4 इस जन्म में, इस सेशन में नहीं है। आखिरी गेंद है बिना किसी गड़बड़ी के, अरे पूरा, अरे एज लगी, उसमें भी 4 नहीं है, वाह बेटे वाह, 2 रन, मैं डिफेंस किया था वो उसने कट कर दिया था, 216/5। तो 30 गेंदों में 142 रनों का टारगेट दिया गया है, पहली गेंद पे बीट हम लोग, अब घुमा घुमा ही करना है भाई, जीतना है तो सीरीज ही बात है। परफेक्ट शॉट, वाह अबे वाह, ये क्या है लॉजिक, देखो अभी मैं क्या बोलूं यार आपको, WCC3 का जो गेम मोड है उसके हिसाब से ये सही हुआ, मतलब जो कहते हैं ऑन द पेपर कि अगर आपको 30% कॉन्फिडेंस से परफेक्ट मारोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, वो लॉजिक से ठीक है, पर WCC3 के लॉजिक के हिसाब से 6 जाना चाहिए था। कंफ्यूज, और ये लास्ट विकेट आ चुकी है यार, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म करने के मूड में आए हैं गेम, हमने एजिस में तो लेग स्टंप मारी थी, बच गया, लेग स्टंप मारा था, स्वाइप किया था, स्क्वायर लेग था वो शॉट जो मैंने लिया था, ठीक है, फील्डिंग भी वैसी ही है तो मैं सामने क्यों मारूंगा, वो भी इतने कम कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर के साथ, हाँ ये बेहतर है, ये लिया था मैंने शॉट,
दो ले रहे हैं, जरूरत तो ठीक है, लगभग 30 रन हर बार करने हैं हमें यहाँ से। अब ये गुड शॉट जा रहा है कहाँ से, मोटर से गुड शॉट लग ही नहीं रहते, ये लेट खेल रहा है तो गुड शॉट कह रही है। गेम स्ट्रेट भी खेल सकते हो, बट अगर मैं स्ट्रेट खेलूंगा ये अपने तरीके से गुड शॉट लेगा, ठीक है। ये थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, अर्ली लगा, स्ट्रेट गया है ऑफ स्टंप पे, वो भी मैं लेग स्टंप लिया था, बॉटम लगी थी। ऑस्ट्रेलियन डगआउट बहुत रिलैक्स है, चिल कर रहा है। आखिरी गेंद, दो रनों की पूरी बरसात इस ओवर में, आखिरी गेंद गुड शॉट और दो रन के साथ फिर हमने एंड किया है इस ओवर को। सामने खेलने के थोड़े मौके हैं, बट गेंद दूर आना चाहिए, हिट किया सामने की तरफ, इस बार रनिंग स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट थी, बट दो आ गए। किंग्स ऑफ का चैलेंज पूरा हुआ है, पता नहीं कौन सा चैलेंज था, स्क्वायर खेल रहे हैं अभी। हाँ अर्ली शॉट, लेकिन कैच का कॉल क्यों, आई डोंट नो। दो रन, सेंचुरी का चांस ना के बराबर, क्योंकि अगर आपको सेंचुरी लगानी है तो बैट कनेक्शन चाहिए, चार डॉट के लिए 400 करवा दो, ये मेरी इच्छा है बस, फिर उसके बाद जो होगा देख लेंगे। 399 डन। सामने की तरफ टच तो हुई है गुड टाइमिंग के साथ, सीधा और होता तो अच्छा होता। दो रन, सीधा जितना खेलेंगे उतना परफेक्ट निकलेगा, ये सीधा है, काफी सीधा है, और चार रन में है, 77 लोग पहुंचते हुए। आखिरी ओवर बाकी है, सिंगल लो बुमराह, डॉट मत खेलना यार, कोशिश करेंगे कुछ बियर्ड और कुछ अलग तरीके के शॉट ट्राई करने की, क्योंकि हमें चाहिए चार रन, दो तो लेना ही है। आउट हो जाएंगे देखेंगे। 79 लास्ट बॉल, दैट्स एंड ऑफ अ परफेक्ट शॉट के साथ इंडिया ने यहाँ पर कीपर मैच को पूरा किया है, इनसेन डिफिकल्टी में फर्स्ट मैच के हिसाब से वी प्लेड गुड आई थिंक। अब जितना बड़ा गैप था मेरा इस गेम के साथ टच स्क्रीन पे, आई एम हैप्पी, बट मैच के रिजल्ट से डेफिनेटली नॉट हैप्पी। 103 रनों की हार आई है, क्योंकि इस गेम में नॉर्मल है, हमने तो 200 से हराया, 250 से। प्रडिक्शन के हिसाब से भाई इंडिया ये मैच भी हार रहा है। अब आप लोगों को पता है प्रडिक्शन रिवर्स हो रहा है तो ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है इस गेम प्ले के बाद। तो मिलते हैं भाई, और आप लोगों ने WCC2 वर्ल्ड कप ट्राई किया कि नहीं किया, ट्राई किया तो भैया कैसा लगा, फ्री मोड है, ट्राई कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, नई वीडियोस भी आ चुकी होंगी चैनल पे, जरूर से चेक कर लेना। ये देखो क्या हो गया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।